हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर मैं कम सर नाम सुन के फोन नहीं काटेंगे आप, मेरा प्रॉमिस करिए सर। फोन काट दे रहे आपके सभी एमएलए। हाँ आपके सभी एमएलए सर मेरा नाम सुन रहे फोन कट कर ले रहे सर। इसमें जमहूरी हक है ना सर सवाल करने का मेरे को। देखिए भाई, अभी मैं चेन्नई में हूँ, फ्लाइट में बैठा हूँ। आप मेरे को 10 बजे करिए फोन। सर पक्का उड़ाइएगा आप फोन। कौन है आप? पारिस कादरी बात कर रहा हूँ मैं, नागपुर महाराष्ट्र से सर। नहीं, मेरे नहीं आप नहीं, आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे, आप सामने सामने आके बैठ के बात सर। दारुसलाम आता हूँ ना मैं, फिर आप बुलाइए ना मेरे को। नहीं, दारुसलाम कोई दावत वलीमा नहीं है, दफ्तर हाँ? है, अवामी दफ्तर है, आइए मिलिए। तो सर गुंडागर्दी चलती ना, कितनी धमकी आई सर जान से मारने की, मार देते तो क्या करूँगा सर मैं। मेरे भाई वहाँ पर हजार कम से कम 100-200 लोग बैठे रहते, अगर आप अपनी शस्ती शोहरत के लिए रिकॉर्ड करके नहीं नहीं शक्ति शोहरत शक्ति शोहरत शक्ति शोहरत बिल्कुल नहीं करता सर मैं। सुनिए सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए, अगर आप वाकई में सच्चे ईमानदार हैं, आइए दारुसलाम, आमने सामने बैठिए, बात करिए, और ये जो अभी जो गुफ्तगु हो रही है उसको रिकॉर्ड मत करिए। बिल्कुल नहीं करूंगा सर मैं, आप प्रॉमिस करिए। आप मेरे को सर दावत दीजिए, मैं स्टार्ट हो जाऊंगा सर। मैं किसी को दावत नहीं देता। नहीं नहीं दावत नहीं सर, दावत नहीं, मैं अपने उस पे आता हूँ, अपने उस पे चल जाता हूँ। सिर्फ आप प्रॉमिस करिए मेरे को कुछ नहीं होता, मैं आते बिल्कुल वहाँ पर मैं आपके कोई किसी को कुछ नहीं होता। आप आइए, दिल साफ रख के आइए और आपके दिल में जो है बात करिए, बात करिए। बिल्कुल 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 सर, ठीक है, ओके सर। वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। फ्लाइट में नहीं है ना आप अभी? अभी लैंड करा, बोलो। हाँ तो मैं ये बोल रहा था सर कि ये सर आप लोग जवाब वबाब क्यों नहीं देते सर? कैसा जवाब? तो आप लोग MIM पार्टी चला रहे, आप पूछ रहे, आप बोले ना सर सबका डेमोक्रेसी राइट है, सवाल पूछ सकते इससे पहले आप। भाई मैं आपको बोला हूँ, आप दारुसलाम आइए, आप ये हिमाकत रिकॉर्डिंग करना छोड़िए, दारुसलाम आइए। क्यों सर फोन पे जवाब दीजिए ना, आप दलाली करते रहेंगे क्या सर? आप बीजेपी की दलाली कर रहे हैं ना आप लोग, पूरा हैदराबाद खत्म कर दिया आप लोग, बर्बाद कर दिया आप लोग। देखो भाई मैं आपसे इज्जत से बात कर रहा हूँ, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि दारुसलाम आइए, बैठ के बात करिए सर। वक्त के प्रॉपर्टियाँ देखो सर, ओल्ड सिटी का डेवलपमेंट देखो ना सर। मेरे भाई आपको हर सवाल का जवाब, आइए मैं तो आपको गारंटी दे रहा हूँ आपको कुछ भी नहीं होगा। आप आइए, मैं जो दारुसलाम में रहूंगा, आप आइए बैठिए बात करिए। ये हिमाकत सर 2-5 मिनट आप फोन पे जवाब नहीं दे सकते नहीं, सर नहीं, अब आपको मालूम मेरे को तेलंगाना में 1% पब्लिक सुन रही है सर, तो आपका काम है ना उस चीज का जवाब देना। मैं आपको जवाब देने तैयार हूँ, आप आइए प्लीज, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हर आदमी आके हमसे बात करता। अरे नहीं सर गुंडागर्दी चलती है वहाँ पर, मैं दारुसलाम में। गलत गलत बात है, गलत। देखिए आप बदनाम नहीं करना दारुसलाम को, आप कितने लोग आते वहाँ पे? कोई नहीं आता है सर, सब सबका पार्ट टू बन जाता है सर। उस्मान नगर वालों का भी हाल बेहाल हुआ था सर। मेरे भाई मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ, एक मरतबा आइए, आप आइए मेरे साथ बैठिए, बात करिए। ये रिकॉर्डिंग छोड़ो, एक बार बैठो, बात करो, आके बैठो, देखो तुम, उसके बाद तुम जो फैसला करना है करो। ऐसा आपको जब तक आप आके देखे नहीं महसूस नहीं कर सकते। ये रिकॉर्डिंग करना छोड़ो, इससे फायदा नहीं है, आपकी शोहरत में इजाफा होगा। मुबारक सर, शोहरत औरत में इजाफा नहीं, वो रिकॉर्डिंग करता ना मैं अकबरुद्दीन अवैसी जैसे आपके छोटे भाई के जैसा फेमस नहीं होना, राम की माँ और ये सब भाषण देके फेमस नहीं होना है मेरे को। देखिए रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहा हूँ सर, मेरी आवाज आप तक पहुँचाना है सिर्फ। मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप नहीं सुन रहे मेरी बात को। मैं बोल रहा हूँ आप आओ दारुसलाम को। मैं बिल्कुल सर, कब आप तारीख दीजिए, मैं उस डेट को पहुँचता हूँ दारुसलाम। बिल्कुल आप ये मैं आप ये रिकॉर्डिंग नहीं डालना, आप आपको आके बैठो, बात करो, उसके बाद आप डेट दीजिए ना सर मेरे को, मैं पहुँचता हूँ फिर। आप बोलिए, आप डेट दीजिए, मैं उस तारीख को पहुँचता हूँ, आप गारंटी दीजिए। मैं बिल्कुल तशरीफ लाइए दारुसलाम, सबका है, आइए। ओके सर, रवीश कुमार नेशनल मीडिया के साथ, तेलंगाना लोकल मीडिया के साथ में, मीडिया के सामने आप जवाब दीजिए मेरे सवालों का सर। आप पब्लिक के मुसलमान हो क्यों सर? आप मेरे भाई सुनो, हर चीज को आप आके तो बैठो यार, बात तो करो सर। मीडिया के सामने जवाब देने में क्या होता है सर आप लोग? मीडिया मेरे भाई, जितना मैं मीडिया से मैं फेस करता हूँ शायद ही कोई करता हूँ। अरे सर वो तो पूरा स्क्रिप्टेड है, पूरी गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया सिर्फ आपको शो करती, बाकी कोई मुसलमान लीडर को शो नहीं करती। अच्छी बात, अच्छी बात, अच्छी बात। आप तारीख दे दीजिए, मैं आ जाता हूँ।
ضرور آپ میرے کو آئندہ جمعہ ہفتے کو بات کریے, میں لکھنؤ جا رہا ہوں, کل میرا جلسہ ہے اترولا میں. نہیں سر کوئی بھی ڈیٹ دے دیجیے نا سر, ایک منتھ دو منتھ پانچ کا چلے گا. سنیے, وعلیکم السلام, ون منٹ میڈم, ون منٹ. آپ میں تمل ناڈو میں بھی الیکشن کیمپین کرنا ہے, آپ آئیے بیٹھیے بات کریے ہر چیز کو. تم دیکھو, تم میرا ایک ہی ریکویسٹ کرو, ایک بار تم یہ سب بیگیج چھوڑ کے اکیلے آ کے بیٹھ کے دیکھو تم خالی. میں تمہارا سب کچھ دیکھ لیا میں نے, وقف کے پراپرٹیاں لوٹ گئے, تلنگانہ برباد کر دیا آپ حیدرآباد کا. سر آپ تاریخ بھی تو نہیں دے رہے نا سر, آپ ڈیٹ دیجیے نا. میں آپ کو کیا بول رہا ہوں, میں لکھنؤ جا رہا ہوں, پارلیمنٹ بھی ہے, تمل ناڈو کا الیکشن بھی ہے, آپ آرام آؤ, میں آپ کو تاریخ دیتا ہوں, میں آپ کو کیوں فکر کر رہے. سر کب آؤں تو میں, سر ناگپور سے یہاں پہ میں کب آؤں آپ بتائیے نا, میں بالکل پہنچ دوں. ہاں بالکل آؤ آپ, اور یہ جو تم جو کر رہے ہیں نا, اس کو چھوڑ کے آ کے تم بیٹھو ایک بار. سر یہی تو ایک ذریعہ ہے اپنی آواز پہنچانے کا, باقی تو سب اسکرپٹ پورا خریدا ہوا ہے. آپ کرتے رہو, آپ میرے کو اس سے, میں آپ کو کیا بول رہا ہوں, آپ کو ہمارا کام دیکھنے کا ہے, پہچاننے کا ہے, آپ آ کے دیکھو ایک مرتبہ. بالکل سر بالکل, عثمان نگر والوں نے برابر میرے کو ویڈیوز بھیج دیے. ٹھیک ہے, وہ سب اپنی جگہ پہ, آپ کی رائے اپنی جگہ پہ ہے, مگر آپ کو آپ کا کام یہ ہے کہ دوسرا رخ بھی دیکھنا. آپ خالی سر پورے رخ دیکھا نا میں نے سر, اولڈ سٹی میں میٹرو نہیں آیا ابھی تک. اچھا چھوڑ, وہ اویسی ہاسپٹل میں 500 روپے میں ڈیلیوری ہوتی, کچھ بھی نہیں ہوتا, سوالات کا بل بنتا ہوا. ہاں میرے بھائی, آپ کو اویسی ہاسپٹل آپ بنا لو سر, ہم بنا لو. بالکل سر, ہمارے ذریعے ہم سے جتنا ہو پاتا نا, جو کرنا پڑتا وہ کرتے. 500 بچیاں پڑتی جاویہ جواہر الفاطمہ ناگپور میں مدرسہ ہے سر. دارالسلام آئیے آپ کے سامنے سر, 0.1% بھی نہیں ہو پھر بھی 500 بچیاں پڑھ رہے مدرسے میں سر. اور آپ لوگ وہ بزنس کو, آپ اپنے ذاتی بزنس کو آپ سماج سیوا بولتے, 1.25 لاکھ کا بل بنتا ہے آپ کے ہاسپٹل میں, اور آپ اس کو بولتے کہ ہم 500 روپے میں ڈلیوری کرتے ہیں. دیکھیے پھر آپ جو ہے نا, آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو. آپ میں آپ کو بار بار بول رہا ہوں, آپ حماقت کر رہے ہیں, آپ کو ریکارڈنگ کر کے اپنی شہرت کے لیے. شہرت کیسی بولتے سر, برابر جو بولتے ہیں وہ ویسی شہرت کر لیتا ہوں نا سر میں. ارے آپ کو میں کیا سمجھاؤں, آپ کو بول رہا ہوں آپ آئیے. تو سر آپ ڈیٹ بھی دینے کو تیار ہے سر, آپ لوگ اپنا ڈیٹ دینے کو تیار ہے آپ لوگ سر. بس میں آپ کو کیا بول رہا ہوں, آپ سنو جی, میں پروگرام ہے میرا یو پی میں, پارلیمنٹ میں جانے کا ہے, تمل ناڈو کا الیکشن ہے, ضرور ملیں گے, مگر آپ ایک مرتبہ آئیے بیٹھیے بات کریے دیکھیے محسوس کریے. سر میں 4 سے 5 مرتبہ حیدرآباد آ کے جا چکا, اس کے بعد میں نے وہاں کے حال دیکھا نا, بہت بے حال تھے. اچھا ٹھیک ہے چھوڑ دو نا بھائی, تم پورے ہندوستان میں سر, بہار میں بھی تباہی مچایا, اب بنگال میں سر آپ گٹھ بندھن کر لو نا سر, کانگریس سے کیوں سر آپ ہٹے سر, کانگریس سے کیوں ہٹے سر آپ, کانگریس کو آپ کیوں اگینسٹ بولتے سر آپ. آپ آئیے, پوری سیکولر پارٹی کو تباہ کر دیے سر آپ نے سر, ایسا نہیں کرو نا, آپ مسلمان ہیں نا سر, کیوں ایسا کرتے سر آپ, آپ اپنی شہرت آپ اپنے پیسوں کے لیے پورے مسلمانوں کو پستے وہ کر دیے آپ سر. آپ دیکھو بھائی پلیز, میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں ایک مرتبہ آئیے, ان تمام سوالات کا جواب سر میں تو آنے کو تیار ہوں, آپ ڈیٹ دینے کو تیار نہیں ہے نہ میرے, آپ کو ایک بھی سوال کے آپ جواب دینے کو تیار ہے سر, کیوں سر ایسا, نہ آپ کے ایم ایل اے ایک بھی پورے انگوٹا چھاپے سر, کوئی بھی جواب نہیں دے پاتے, نہ آپ دے پا رہے سر, آپ پڑھے لکھے بیرسٹر صاحب ہیں ماشاء اللہ. میرے بھائی آپ کو میں بول رہا ہوں, آپ آئیے بیٹھیے بات کریے میرے سے, میں آپ کو ضرور وقت دوں گا, آپ کا نمبر میرے پاس آ گیا ہے, میں آپ کو بتاؤں گا, آپ آئیے. تو سر کب آؤں میں سر, میں بتاؤں گا جب میں حیدرآباد کو واپس آؤں گا بتاؤں گا. بالکل سر میں ویٹ کر رہا ہوں آپ کا. اوکے سر تھینک یو. یہ ریکارڈنگ تم چھوڑو, تم ایک بار آ کے دیکھو سر, ریکارڈنگ کی تو ذریعہ ہے نا سر, ریکارڈنگ کی تو ذریعہ ہے نا ہماری بات پہنچانے کا, نہیں تو عام آدمی کی بات کون سنتا ہے سر. میری بات آپ تو بس وہ کچھ بھی آڑے ٹیڑھے بھاشن دے کے بڑی کی کلیجی دے کے فیمس ہو جاتے سر. ارے 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 تم کیا بولے جا رہے, میں تمہارے کو میں آپ کے فیکٹ بتا رہا ہوں سر, آپ کی حقیقت بتا رہا ہوں. میں کوئی فیکٹ نہیں ہے, میں آپ کو ادب کے دائرے میں رہ کر, میں بھی ادب ہی کر رہا نا سر, میں کہاں بدتمیزی کر رہا ہوں سر. میں آپ سے بول رہا ہوں ایک بار آؤ میرے بھائی, ایک بار آؤ تمہارے. سر میں آنے کو تیار ہوں, آپ ڈیٹ دینے کو تیار نہیں ہے سر. میں آپ کو بول رہا ہوں نا,
मैं जब हैदराबाद में रहूंगा आपको जरूर बुलाऊंगा। बिल्कुल सर, बस सर अल्लाह के वास्ते ना बंगाल में तबाही मत छोड़ दो। पहले बीजेपी ने बदनाम कर दिए पूरे हिंदुस्तान को, पूरा खत्म कर दिए। वो आप छोड़ दो, आप ये सियासी गुफ्तगू, सियासी फैसले हमारी पार्टी के वो हम तय करेंगे। नहीं सियासी नहीं सर, आप मसला आप कलमे की बुनियाद पे वोट मांगते हैं सर, आप कलमे की बुनियाद पे सियासी अगर आप रहते ना तो ऐसा नहीं करते आप। अरे मेरे भाई, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मैं आपको टाइम दूंगा, आप आइए बैठिए मेरे से, शाम में बैठ के बात करिए, बात तो करो, बात करो, फोन से क्यों बात करना चाह रहे तुम? तो सर मैं आने को तैयार हूँ, आप डेट देने को तैयार नहीं? मैं आपको डेट दूंगा, बराबर आपको डेट दूंगा, आप इंशाल्लाह। बिल्कुल सर, ओके सर, ओके। आप मेरी मुखालिफत करो, मेरे कोई इतराज नहीं है। बिल्कुल मुखालिफत नहीं करना है सर, मैं बस मैं सच्चाई जानना चाह रहा हूँ, आपने एक सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं हर सवाल का जवाब दूंगा जब तुम मेरे सामने बैठेंगे। फोन पे क्या हो जाता है तो सर? नहीं नहीं नहीं, ये तरीका नहीं है मेरे दोस्त, ये नहीं है मेरे सर, क्यों बिल्कुल तरीका नहीं है ये। आप आइए, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सुनने तैयार नहीं है? मैं तो सर शुरू से रेडी हूँ ना, मैं तो मैं आपको डेट दूंगा, आप डेट दूंगा, बिल्कुल तशरीफ लाइए, बात करेंगे बस। ओके सर, ओके। रिकॉर्डिंग मत डालो, तुम आओ एक बार, तुम मेरे, हम कोई फरिश्ते नहीं है। आओ, आप आओ, बैठो, बात करो, तुम्हारे को तुम मुतमइन हो, अच्छा है नहीं है? तुम बोलो मैं मुतमइन नहीं हुआ, ठीक है, बहुत अच्छा है सर, मुतमइन बिल्कुल होंगे, आप हक पे रहेंगे तो मुतमइन होंगे, आपके साथ भी खड़े रहेंगे। मेरे दोस्त कोई हर कोई और सर मेरे को कोई जाति, देखिए सर मेरे को कोई जाति दुश्मनी ना है, MIM से है ना, आपसे है सर ना, मैं दूर हूँ, और मेरी एज सर अभी 20 साल हुई है, पहले मैं 19 साल का था, 4 महीने पहले जब मैंने अहमद पाशा गादरी को फोन किया था। तुम्हारे को सेहत सर, मैं सिर्फ और सिर्फ ये ना जो देख रहा हूँ ना देश के हालात, उस वजह से बोल रहा हूँ मैं सर। वो देखो आप एक फिर आप शुरू हो गए, आप आइए बैठिए बात करिए, मैं आपसे फोन से बात कर रहा हूँ, मैं इसका मतलब ये कि रिकॉर्डिंग करके डालते रहना, मैं आपको बोल रहा हूँ, आके बैठेंगे बात करेंगे, मैं वक्त दूंगा आपको, इस कन्वर्सेशन को उठा के रखो, डालो मत तुम जब मेरे से बैठ के बात करेंगे उसके बाद तुम इस्तेमाल करो, तुम रिकॉर्ड तो कर लिए होंगे, बहुत अच्छा है। नहीं ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग है मेरे उसमें सर, ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग हो जाता है सर। अच्छा कर रहे, धमकियाँ भी बहुत आई ना सर मेरे को जान से मारने की। अरे वो छोड़ो आपके लोगों की तरफ से, वही होता है आपके यहाँ। वो छोड़िए, फिर आप शुरू हो गए, फिर गलत बात कर रहे, फिर गलत बात कर रहे आप। आपको मैं बोल रहा हूँ, आप आइए, रिकॉर्डिंग मत डालो, अब तुम बैठ के बात तो करो यार, तुम मेरे से इख्तलाफ करो, तुम मुखालिफत करो, तुम्हारे को कौन बोल रहा कि हम मुखालिफत मत करो हमारी? बिल्कुल करो, मगर एक मरतबा बैठ के बात तो करो तुम, हो सकता कि शायद तुम मेरी एक बात से मुतमइन नहीं रहेंगे, 9 से नहीं होंगे, 10 से नहीं होंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप सिर्फ अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेंगे ना तो मेरे को बहुत खुशी होगी, मेरी गलती रहेगी तो मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। देखो यह सवाल गलती का सही का नहीं है। आप नागपुर महाराष्ट्र में भी सर आप आए ना, सेंटर का इलेक्शन हारे यहाँ पर। छोड़ दो अब तुम आओ, तुम ये तुम्हारे पास एक जहन में सवालात है, तुम मेरे से बैठ के बात करो। बिल्कुल बिल्कुल, ये रिकॉर्डिंग कर करके डालने से फायदा क्या है? रिकॉर्डिंग करके डालने से फायदा ये होता था, पब्लिक को समझ में आता, उस्मान नगर का इशू उठाने की वजह से मेरा भी उसमें 0.1% हिस्सा है तो मेरे को खुशी है। अरे मेरे दोस्त, ये तरीका सही नहीं है, आप वन साइड डाल रहे, सिर्फ आप अपनी बात कर रहे, आप तो सर आप अपनी भी बात बोलिए, मैं सुनता हूँ ना, बोलिए। मैं ये तरीका नहीं है मेरे भाई, मैं आपको मैं वक्त दूंगा, आप आइए बैठिए बात करिए। सर वो वक्त कब आएगा? मैं भ्रष्टाचार बिल्कुल इंतजार करूंगा, जल्दी आएगा, बहुत जल्दी बिल्कुल इंतजार करूंगा सर मैं जब आप तक। ये रिकॉर्डिंग मत डालो, तुम्हारी मेरी गुफ्तगू हर चीज को गुफ्तगू सर, क्यों पब्लिक को सुनने दो ना, क्यों नहीं डालो सर? भाई तुम मेरे से मिलो ना पहले, मेरे से मिल के बात, पहले सर रिकॉर्डिंग भी डाल देते ना सर पब्लिक को, फिर उस पर भरोसा भी हो जाएगा ना सर, आप तो हक पे है ना मेरे दोस्त, फिर अपन लाइव एक बार पूरी डिबेट कर लेंगे आमने सामने बैठ के सर। मेरे दोस्त आप मेरे से मिलो, आपको पूरा इख्तियार है, आप मेरे से बात करो, आपके दिल में क्या सवालात है, क्या शिकायत है, आप बोलो मेरे को। बिल्कुल मैं भी सुनना चाह रहा हूँ, मैं भी सुनना चाह रहा हूँ, आप हमारी बात भी सुनो, आप विश्वास से बोलो कि दारुसलाम को आओ, देखो तुम क्या हो रहा, काम नहीं हो रहा, आप सुनी सुनाई बात, आप हैदराबाद को सुनाई नहीं है सर, देखा हुआ भी है, मैं पूरा हैदराबाद की बात नहीं कर रहा, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है बहुत अच्छा है, आपकी आपकी राय है। ओल्ड सिटी में आपने मेट्रो नहीं लाए, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के रहनुमा बनते, आप लोगों की हेट इस चीज की वजह से सब हिंदू मुसलमान में फसादात हो रहे, हिंदू मुसलमान आप लोगों की वजह से हुआ, बीजेपी और MIM दोनों आप सेम है सर, दोनों सेम है सर। झूठ बोल रहे आप,
आप झूठ बोल रहे हैं सर, बड़े की चले जी सही है, ये संविधान की बात करते हैं ना सर, ये है सही है। एक बात सुनो, तुमको मालूम कर्नाटका में कितने खुरेश बरादरी के लोग बेरोजगार हो गए? तो सर बड़े की चले जी सही है, डिसीजन के बारे में बोलो। उस्मान नगर क्यों नहीं बोले तो आप, आपके घर की बात है ना, बाबरी मस्जिद पे इतना इशू उठाया आप, हैदराबाद की 5 मस्जिद पे खामोश क्यों? केसीआर से आप मैं आपको बता रहा हूँ, असेंबली में रिकॉर्ड है। मैं आपको इस बात से बोल रहा हूँ, तुम आओ, तुम खाली बोले जा रहे। देखो मजलिस की मुखालिफत करो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, आपका इख्तियार है। नहीं मुखालिफत नहीं कर रहा सर, देखो मैं आपको आखिरी मरतबा बोल रहा हूँ जी, आप, मैं टाइम दूंगा, आप आइए बात करिए, कोई जरूरत नहीं है कि आप मुत्तफिक हो जाना ना, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, आइए बैठ कर देखो, मालूम होता तुम्हारा। बिल्कुल सर, टाइम दीजिए आप, और जब तक अल्लाह के वास्ते जब तक आप टाइम दे रहे हैं सर, जब तक के थोड़ा सा हक कर आइए आप। नहीं छोड़ दीजिए आप, वो हमारी पार्टी का फैसला है, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, हमारा आपकी पार्टी है, लेकिन मुसलमानों के साथ में मत जोड़ो, मुसलमानों को बदनाम मत करो। आप हिंदुस्तान के मुसलमान बोले तो गंगा जमुना तहजीब है सर, या हिंदू मुसलमान साथ रहते? देखो तुम, देखो अब आप ये सब बातें मत करो, मैं आप क्या बोल रहा हूँ, आप एक बार आइए बात करेंगे, आप मुत्तफिक हुए अच्छा है, नहीं हुए कोई बात नहीं, मगर बातचीत होना चाहिए, एक्सचेंज ऑफ डायलॉग होगा, मालूम करो। देखो तुम दारुसलाम को मैं आपको दावत दे रहा हूँ, आप खाली रिकॉर्ड करके डालना चाह रहे, डालो मेरे को सर, कब मैं तो 4 महीने से रास्ता देख रहा हूँ, बिल्कुल मैं सर वेट कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल इंशाल्लाह मैं आपको टाइम दूंगा, आप आइए बैठिए, सुनिए हमारी बात, सुनिए आपकी बात, सुनिए बात करिए, बात करने में कोई बुरी बात नहीं है मेरे दोस्त, बिल्कुल बात करने में कोई बुरी बात नहीं है, आपके शकूक व शुबात है, आपके क्या दिल में क्या है वो मालूम हुआ था, हमारे दिल में नहीं सर, हकीकत जो दिख रही बस वही बयान कर रहा हूँ, दिल जो है ना हकीकत बयान कर रहा है सर, ठीक है ठीक है, मेरे को कोई 1 रुपए का जाती फायदा नहीं हो रहा है सब चीजों से, ठीक है मेरे को भी कोई फायदा नहीं होता, आप छोड़ दीजिए हकीकत, आप एक रुख देख रहे हैं हकीकत सर, आपको बहुत फायदा हो चुका ऑलरेडी, आप 600 करोड़ के घर पे रह रहे हैं, कोई फायदा नुकसान नहीं है, अल्लाह इज्जत देने वाला है, ना तुम देने वाले ना मैं देने वाला हूँ, अल्लाह इज्जत देने वाला है, समझे? बिल्कुल सर, अल्लाह इज्जत देने वाला है, और आप जैसे लोगों को अल्लाह देने वाला है, अल्लाह कामयाबी देने वाला है, अल्लाह इज्जत देने वाला है, कोई ना कोई देने वाला नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह दिलों का हाल जानने वाला है, आप आइए मैं बोलूंगा वक्त, आइए आप, इसको रोक के रखो, इसको रोक के रखो, मेरे से मिलने के बाद डालो, तो तुम्हारे लिए डालू सर, तो सर इसमें फिर मेरे को कुछ हो जाता तो कल कुछ भी नहीं होगा, खुदा ना खास्ता क्यों होगा तुम्हारे को यार, सर आप लोग सर पार्ट टू बहुत देखा मैंने आप लोगों के, बहुत बनाते माशाल्लाह, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह, अल्लाह अरे अरे भाई अल्लाह खादिर है हर चीज पे, क्या बात कर रहे हैं, अल्लाह रसूल की बातें आप करते सर अच्छा लगता है, लेकिन अल्लाह रसूल की बात आप अच्छी भी करो ना सर, मैं आपको पूरे इखलास के साथ बोल रहा हूँ, और आपकी गुफ्तगू देखो, आप देखो आपकी गुफ्तगू क्या कर रहे हैं आप जी, आप खुद देख लो आप क्या गुफ्तगु कर, कर रहे हैं आप सर, आप लोग कौन सी अच्छी गुफ्तगु करते सर, अरे आप लोग अच्छा, गाय की अच्छा, बात करते, आप लोग इन सब चीजों की क्या जरूरत सर, मिर्ची मसाला लगा के आप फेमस होते सर, मेरे दोस्त आप आइए बात करेंगे, आप देखो आप ये एक एक सर मेरे को एक छोटी सी चीज का जवाब दे दीजिए ना सर, अभी जवाब अभी बस वो बड़े की कलेजी का जवाब दे दीजिए ना, आप क्यों बोले सर वो चीज, बिल्कुल क्या बेनिफिट होता है उससे मेरे दोस्त, मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, आइए आप रिकॉर्डिंग, और आप बोलते हैं आप सेक्युलर पार्टी है सर, सेक्युलर पार्टी है कि नहीं, आप लोग आप मुसलमान मुसलमान मुसलमानों के नाम पे दलाली कर रहे हो आप, आपकी देखो फिर आप ये गुफ्तगू है आपकी, सॉरी ये गुफ्तगू है आपकी सर, आप लोगों की भी ऐसी रहती है ना सर, आप फोन पे अगर आप ये बात करेंगे तो कौन बात करेंगे तुम्हारा सर, आप लाइव डिबेट पे आइए, बिल्कुल आप आइए ना, मैं लाइव डिबेट करोगे सर, आप प्रॉमिस करिए, आप मेरे से पहले बात करना, मैं हर जगह जाने तैयार हूँ, आप पहले आइए बैठिए, गुफ्तगु रिकॉर्ड तुम कर रहे हो उसको मत डालो, एक मरतबा बैठो तुम मेरे साथ बात करो, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ आपको, मगर आप क्या क्या बोले जा रहे हैं, देखो आप सर मैं तो फैक्ट बता रहा हूँ, मैं कहाँ गलत बोला, नहीं कोई फैक्ट नहीं, एक भी मेरी कोई बदतमीजी होगी तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ सर, नहीं आपको माफी चाहने की जरूरत नहीं, बदतमीजी मैंने कुछ करा तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन जो मेरे शब्द है ना सर ए टू जेड परफेक्ट है सर आपके लिए, नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, गलत बात बोल रहे हैं आप, कोई फैक्ट नहीं बोल रहे सर, गलत कहाँ है सर, हर चीज की मैं प्रूफ दे दूँ, आप बोल रहे हैं राय नहीं है सर, ये तो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है ना,
अच्छा ठीक है, देख रहा है ना, देख रहा है ना, अल्लाह भी देख रहा है, इसलिए कामयाबी मिल रही है हमारे। आप आइए, कामयाबी आपको इसलिए नहीं मिल रही, वो बीजेपी आपको दे रही है कामयाबी क्योंकि हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। गलत देखो, तुम गलत बात बोल रहे हो। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको बार बार आपको बोल रहा हूँ, आप क्या करे बोले जा रहे हैं, आप आपके दिल में इतनी अगर इतनी मुखालिफत है तो फिर आप एक बार बैठ के बात करो या फिर मत बात करो तुम। तो सर मैं तो रेडी हूँ, आप दे दीजिए। ठीक है, मैं आपको वक्त दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल। इसको मत डालो आप, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसको मत। क्या तकलीफ हो रही सर आपको, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, एक मरतबा तुम बैठ आओ, तुम बात करो, उसके बाद तुम डालो, इसको जो डालना है डालो, मैं रोक नहीं सकता तुम्हारे को, डालो आप। मैं आपको बोल रहा हूँ एक मरतबा आओ, खुले दिल से आओ, पूरे इखलास के साथ आओ, बैठो बात करो, मुत्तफिक नहीं होंगे अलग बात है, मगर बैठ के तुम बात तो करो। बिल्कुल, मैं आइए, मैं इसको जिसको गुफ्तगू को रोको आप, इसको रिकॉर्ड कर लिया, अच्छा करे, इसको मत डालो एक मरतबा। रिकॉर्डिंग तो ऑटोमेटिक होती है सर, ये सर डालने से क्या होगा सर, इसमें डाल के पब्लिक को सब देखना चाहिए ना सर। मेरे दोस्त, आपको मैं जो आप मेरे सामने बैठेंगे बात करेंगे ना, आपको मैं सुनिए आप हमारी बात, उसके बाद डालो तुम, ये रख लो, उसको उठा के रखो तुम, गुफ्तगू तो सुनो तुम, बात तो करो तुम। कोई जरूरी नहीं है कि तुम और हम पूरे मुत्तफिक हो जाएंगे, नहीं होंगे, पर बात तो सुनना पड़ेगा ना आपको, बात तो सुनना पड़ेगा ना, आप आओ बिल्कुल सर, सुनेंगे भी और आपको सवाल भी करेंगे। हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आप, बिल्कुल सवाल करिए, बिल्कुल करिए। किसानों का मुद्दा उठाइए, पेट्रोल प्राइस पे मुद्दा उठाइए आप, और ये थोड़ा सा ना डेवलपमेंट एजुकेशन की बात करिए। छोड़ो वो सब, तुम एक बार आओ बैठेंगे बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको टाइम दूंगा, आइए आप इंशाल्लाह। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर, अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।